न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने जिले के अधिकारियों को दिया निर्देश, कहा वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से किया जाए लिंक। दीनदयाल उपाध्याय की 103वीं जयंती पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति व शिक्षकों ने अपने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ में आयोजित हुआ एक विचार गोष्ठी। गोरखपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने पर महापौर ने किया खुशी का इजहार, दिया सीएम को धन्यवाद, कहा अब शहर का होगा चहुमुखी विकास। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 103वीं जयंती के अवसर पर दी गई श्रद्धांजलि। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को घर घर पहुंचाने का करेंगे काम। राजघाट थाना क्षेत्र स्थित अमृतानी में महिलाओं, युवाओं और बच्चों को कच्ची शराब के खिलाफ एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने किया जागरूक, दिलाया संकल्प। एसएसपी ने किया नवनिर्मित थाना गीडा का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सरकारी एम्बुलेंस चालकों की 2 दिनों बाद हड़ताल हुई समाप्त, स्वास्थ्य सेवाएं हुई बहाल। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद के सभी थानों के चौकी प्रभारियों की बैठक, कहा आपसी सामंजस्य बैठक कर त्योहारों को कराएं सकुशल संपन्न। कैंट पुलिस को मिली अहम कामयाबी, 4 साल से फरार किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व निरीक्षक संघ ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, मांगे पूरी नहीं होने पर 1 अक्टूबर से तहसील दिवस के बहिष्कार की दी चेतावनी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर, 38वें दीक्षांत समारोह के लोगों को कुलपति ने किया जारी। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थानों में तैनात हेड मुहर्री की बैठक, जनता से मधुर व्यवहार करने सहित त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के दिए निर्देश। एडीएम वित्त व राजस्व की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक, भालोटिया मार्केट की सड़कों के निर्माण सहित व्यापार बंधुओं के समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। आयुष्मान भारत योजना के तहत जनपद के लगभग 3 लाख से ऊपर परिवार योजना से हो रहे हैं लाभान्वित, इलाज कराने में मिल रही है सहूलियत। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व महामंत्री स्वर्गीय रंग नाथ पांडे की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया श्रद्धांजलि सभा। एडीएम सिटी के नेतृत्व में समाज सेवी संस्था ने किया राहगीरों और दुकानदारों को झोले का वितरण, प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव से कराया अवगत, कहा नहीं करें प्लास्टिक का उपयोग, रखें शुद्ध पर्यावरण। गंगोत्री देवी महिला महाविद्यालय के छात्राओं को एसपी ट्रैफिक ने किया यातायात नियमों के प्रति जागरूक, कहा स्वस्थ जीवन के लिए अवश्य करें ट्रैफिक नियमों का पालन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर 100 वित्त पोषित महाविद्यालय प्राचार्य परिषद द्वारा किया गया प्राचार्य सम्मेलन का आयोजन, प्राचार्यों के समस्याओं पर किया गया विचार विमर्श। और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राष्ट्र वंदन समिति ने किया स्वच्छता कर्मी को सम्मानित, लिया स्वच्छता का शपथ।